सो मैंने इस ट्रिक को काफ़ी अर्सा पहले एक ब्राज़ीलियन प्लेयर की वीडियो के अंदर देखा था, बट कल मैंने जो मिस्टर अबू की वीडियो के अंदर भी जो मैंने इस ट्रिक को देखा। तो इस ट्रिक में होता क्या है, बेसिकली तुम लोग जो अपने जॉयस्टिक को जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह सेट करते हो कि तुम्हारी जॉयस्टिक ज़रा सा भी स्ट्रक नहीं होती और तुम्हें वो ज़रा सा भी तंग नहीं करती। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ इस ट्रिक को परफॉर्म कैसे करना है, तुम हर एमुलेटर में अंदर ट्राई कर सकते हो। सो सबसे पहले तुमने जो सेटिंग्स में जाना है और कंट्रोल्स में जाने के बाद कस्टम हुड में जाना है और तुमने जो वो अपना जॉयस्टिक जो उसको कहीं कोने में सेट करना है। तो मैं जो बेसिकली अपना मैप की साइड पर जो सेट करता हूँ और जो जॉयस्टिक को यहाँ रख के सेव कर देता हूँ, इससे जो मेरा जॉयस्टिक ज़्यादा सा भी स्टक नहीं होता। अब तुम लोग को नज़र आ रहा होगा मेरी जॉयस्टिक जो चल रही है, बट तुम लोग को ये नहीं पता कि मैं कैसे चला रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो अपनी जॉयस्टिक को काफ़ी ज़्यादा नीचे सेट किया, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये मेरी जॉयस्टिक, इसको मैंने जो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब किस तरह इसको तुमने नीचे सेट करना हो मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो मैं एमुलेटर को ऊपर ले जाता हूँ, सिंपली तुमने यहाँ पर लेके जाना है और सिंपली जो ऐसे तुम्हें नीचे लेके जाना है, ये देखो। और तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, तुम लोग जब जॉयस्टिक को बड़ा करो यहाँ से तुम लोग जाओ ऐसे करो और इसी तरीके से तुम लोग जाओ उसको और नीचे भी लेके जा सकते हो ऐसे। एंड अगर तुम लेफ्ट पे लेकर जाना चाहते हो तो लेफ्ट पे भी लेकर जा सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारी जॉयस्टिक इस जगह पे सेट हो जाएगी और तुम लोग उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, जिससे जो तुम्हारी जो ये जॉयस्टिक इधर सेट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, जब तुम लोग इसको इस तरह सेट करोगे तो तुम्हारी जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगी। ना सिर्फ जो जॉयस्टिक जो तुम्हारी हाइड हो जाएगी, बल्कि जो तुम्हें जो एम स्ट्रक का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा। जॉयस्टिक को इधर रखने के बहुत से फायदे हैं और मैं तुम लोग को बाद में बताऊँगा। बाकी जो मैंने देख लिया कि काफ़ी यूट्यूबर्स इस चीज़ को इधर रखते हो, तुम लोग नोटिस किया करो। जब तुम लोग किसी का गेम प्ले देखा करो तो नोटिस किया करो उन्होंने जॉयस्टिक कहाँ रखी है, उन्होंने जो अपने जो बटन्स वगैरह कहाँ रखे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है।